5.3 क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो हम 6 से विभाज्य रखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 6 एकन 6, 6 दुनी 12, 6 तीय 18 और कोमा डैश 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 लास्ट में हमको लिखना है। इस यानी 40 संख्या होनी थी तो इसका 40 का गुणा कर देते 6 से, तो कितना आता है 240 आता है। ये हमारा अंतिम पद हो गया। अब हमको ज्ञात करना है ए और ज्ञात करना है डी। ए तो ये हो गया, डी कैसे ज्ञात करते हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा दो, यानी ए टू में से ए वन घटाते हैं। तो ये हमारा आ गया डी बराबर कितना आया हमारा 6 आया। ओके, अब यहाँ पर ए एन अथवा तो एल कितना है, तो हमारे पास है 240 और n बराबर भी हमारे दिया है कितना है 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। अब हमारे पास सब कुछ है इसलिए हमको योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए दो सूत्र है, हम छोटे वाले सूत्र का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, तो उसका कारण ये है कि हमारे पास यहाँ पर सभी सूत्र में जो कीमतें हैं लानी हैं वो उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर देखो n भी मालूम है, ए भी और एल भी मालूम है, सब मालूम है, इसलिए जल्दी हो जाएगा। नमस्कार मित्रों, मैं गयन सिंह तोमर, आपका शिव ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आप ऐसी वीडियो आई कार्ड में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी गई है वहाँ पर देख सकते हैं या एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। आगे देखते हैं एन, तो यहाँ देखते हैं एन हमारे पास 40 है और ए कितना है तो बोले 6 है, ए एल कितना है तो 240 है, भाग देते हैं तो ये आ जाता है 20 गुणा कितना हो जाता है 246 हो जाता है। ये जीरो से यहाँ लिख देते हैं और 6 दुनी 12 हासिल है, एक 2 चौक 8 और 1 9 2 दुनी 4, इस तरह से 40 पदों का योगफल कितना आया है 4920। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।